મોરબી માળિયા વિધાનસભા બેઠક પર આમ આદમી પાર્ટીના પ્રચાર અંગે દિલ્હી અને પંજાબથી આવેલ પ્રવક્તાઓએ જનસંપર્ક કર્યો હતો, ત્યારે જનસંપર્કમાં તેમને ઢેર ઢેર આવકાર મળ્યો છે, ત્યારે જાણીએ પ્રવક્તાઓએ શું કહ્યું. इतना बढ़िया काम कर रही है, लोगों के लिए इतने अच्छी फैसिलिटी दे रही है. जैसे कि दिल्ली में भी आप देख सकते हो कि आम आदमी पार्टी ने लोगों को काफ़ी सुविधाएं दी हैं. वैसे ही पंजाब में अभी भी फिलहाल आप देख सकते हो बिजली फ्री बिल्कुल उन्होंने 600 यूनिट आए हैं, वो भी पंजाब में आम आदमी पार्टी के तो दी है. ये एक जो चुनावी जो प्रचार होता है, ये चुनावी प्रचार नहीं करती आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टी की गारंटी होती है, जो गारंटी वो आज जो हमारे केजरीवाल जी जो गारंटी देते हैं वो करते हैं. और उनका जो मेन मकसद होता है, जो उनका फोकस होता है, हेल्थ पे होता है उनका, उनका बच्चों की पढ़ाई पे होता है, और हमारा जो सिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर होता है कि हमारे देश का आगे जाके भलाई हो, हमारा देश एक नंबर पर आए. और सर यही चीज़ के लिए हम लोगों को बताने आए हैं, लोगों को बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे लोगों को कि आम आदमी पार्टी को आप वोट देके एक बार चांस देके आम आदमी पार्टी को यहाँ पे उनकी सरकार देके आओ, आपको भी मिले जो पंजाब और दिल्ली में मिलती है. आम आदमी पार्टी की सरकार बने शायद 5 से 6 महीना हुआ, तो उसमें जब बिजली की गारंटी है तो सही में बिजली का बिल जीरो आने लगा है. सर बिजली का बिल देखिए, अभी तो मैं फिलहाल यहाँ पे बैठा हूँ, बट आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो कि बिजली का बिल 57 लाख जो लोग हैं उनमें से 45 लाख बिजली का बिल बिल्कुल जीरो आया. मैं यहाँ से बैठा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा बिजली का बिल भी जीरो आया. आप किसी भी पंजाबी से पूछोगे उसका भी बिल जीरो आया है. हाँ बिल ज़्यादा जिसका जो आया है वो उसका आया है जो 600 यूनिट के आगे यूज करता है, जिसने 2-2 AC लगा रखे हैं, है ना, घर में ज़्यादा यूज करता है, उसका बिल तो ज़्यादा आएगा ही, है ना. जिन्होंने बिल पे नहीं किए, जिसने एक एक 2-2 साल से बिल पे नहीं किए, उसके बिल तो ज़्यादा आएंगे. जो एक डिफेंस करती है 600 यूनिट के बिल करती है, उनका बिल जीरो आ रहा है और आगे भी ऐसा ही आएगा. सर जी आपका नाम बताइए, और पंजाब में कई सालों से कांग्रेस और अकाली दल राज कर रहे थे, आज आम आदमी पार्टी आई है, आप बड़े बुजुर्ग हैं, तो पहले और अभी के राज्य में और अभी के राजनीति में क्या फर्क है? पंजाब एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन का चेयरमैन है. पंजाब में मेरे को मेरी इस वक्त उम्र जो 73 ईयर है. पंजाब में जितनी भी सरकारें आई है इससे पहले 8 से 70 साल पहले, तो 4 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ जो सरकारें आई है उनके जो मतलब जो प्रोग्रेस है ना वो आम आदमी के लिए कुछ नहीं. उन्होंने सरकारों ने अपना ही फायदा सोचा है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया. जबकि अभी 6-7 महीने हुए हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जो आम आदमी पार्टी ने चुनावी वादे किए थे उनमें से 80% वादे 6-7 महीने पूरे कर दिए. जैसे बिजली का बिल 300 यूनिट उन्होंने बोला था हम 1 महीने का बिल देंगे, 2 महीने का जिसका 600 यूनिट से कम बनता है उसका दिया था. मेरे को भी चीज देखे उन्हें जीरो बता रहा है. दूसरी बात जो एजुकेशन के बारे में गारंटी दी थी, सरकारी स्कूल इस वक्त पंजाब में गवर्नमेंट स्कूलों से भी आगे नजर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया स्कूल हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन एजुकेशन फ्री है, भर्ती मिलती है बच्चों को, यूनिफॉर्म बारे मिलती है, कोई फीस नहीं है. जो लड़कियां हैं जो क्लास 1 और क्लास 2 में उनको साइकिल फ्री मिलता है. जितनी महिलाएँ हैं पंजाब में उनका सफर जो है वो फ्री है सरकारी बसों में, उनको कोई भी बसों के पैसा नहीं देना पड़ेगा. हर एक 100 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए पंजाब में गवर्नमेंट ने, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सहूलतें मिल रही है. केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में जो उसने वादे किए थे उसने पूरे किए, उसी के उसी
के बेस से पंजाब में भी बहुत बढ़िया मतलब के काम हो रहा है सरकार का, बहुत बढ़िया सरकार का। आम आदमी पार्टी जब से आई है कि राजनीति में एक नया रूप देने आई है, आप बड़े बुजुर्ग हो, तो सही में कभी सोचा था कि कोई सरकार आपको बिजली फ्री दे सकेगी? जब से सोचा तो नहीं था, पर जब से ये सरकार आई है पंजाब में, इसने जो गारंटी दी थी वो बिल्कुल 100% पूरी कर रही है। बहुत बढ़िया सरकार है, हम तो चाहते हैं इधर गुजरात में भी मेरी सरकार आए और लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो इसका, जो जो आपको गारंटी दे रहे हैं ये, जैसे पंजाब और दिल्ली में कमी गई है वैसे ये इधर भी करें। आप गुजरात की जनता के क्या मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि आपके यहाँ अभी अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो गुजरात की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं इधर अपने गुजरात में, उनको आप भारी बहुमत से लाकर भेजे विधानसभा में, और ये जो जो आम जनता है उनको जो गारंटी दी गई है वो पूरी करेंगे। सर जी, पंजाब ने दिल्ली सरकार जैसे ही पंजाब सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, तो सही में वो मोहल्ला क्लिनिक कैसा है वो आप मेरे को बताएंगे? सर यही बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए पंजाब में अभी सिर्फ 6 से 7 महीने हुए हैं और हमारे पंजाब में एक मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो चुके हैं जहाँ पे सारे इलाज फ्री हो रहे हैं, इवन दैन की वहाँ पे टेस्ट भी फ्री हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में आप देखोगे 170 हमारे हल्का है, इसमें से 2 या 3 दिन हमारे मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे। ये हमारे पार्टी की पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, जो हेल्थ पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, और हर मोहल्ले मोहल्ला क्लिनिक की ये नहीं है कि हर मोहल्ले में खुलेगा, एक हल्के में कोई एक जगह हम सेटल करेंगे, वहाँ पे हमारा मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा, वहाँ पे सारे टेस्ट फ्री होंगे, वहाँ पे सारी दवाइयाँ फ्री मिलेंगी, किसी को भी कहीं कोई ज़्यादा इमरजेंसी है फिर उसको आगे रेफर किया जाएगा, नहीं तो जो छोटे बीमारियाँ या छोटा कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे ही उनका इलाज हो जाया करेगा, जैसे कि पहले कभी वो नहीं पाया था ना हो सका था पिछली सरकारों के मुकाबले। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर हमारे आम आदमी पार्टी में, सिर्फ 6 या 7 महीने में। अच्छा, गुजरात में आप आए हो, गुजरात में आम आदमी पार्टी का माहौल कैसा लग रहा है? सर गुजरात में माहौल देखिए, सर हमें माहौल बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे केजरीवाल जी और अरविंद मान जी हमारी आम आदमी पार्टी सरकार क्या क्या फैसिलिटीज देती है, क्या क्या इन्होंने ग्रोथ की है। जैसे अब दिल्ली में देखो, दिल्ली में इन्होंने एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए इन्होंने, स्कूल एजुकेशन इतनी बढ़िया की है, बेरोजगारी को काफ़ी कम किया है, इनका बजट प्लस में आता है, वैसे पंजाब में भी ये चीज़ें सारा कुछ लागू हो रही हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी को गुजरात में लेके आते हैं तो ये सारी फैसिलिटी जो भी पंजाब और अपने दिल्ली में मिली है वो गुजरात की जनता को भी मिलेंगी, और गुजरात की जनता सुखी समृद्ध होगी और उनको हेल्थ और एजुकेशन में आगे